फ्रेंड्स, मैं संजीव गौतम और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज सुबह सुबह नाला सुपारा ईस्ट वाकनपाड़ा सान बार के सामने एक ऑटो रिक्शा के पीछे दो व्यक्ति बाइक सवार आए और ऑटो के आगे अपनी गाड़ी लगा दिए और लगाने के बाद एक व्यक्ति उतर के ऑटो वाले से मगजमारी किया जो और अपने जेब से पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के एक व्यक्ति के ऊपर टांग दिया, जो कि 9:30 बजे सुबह की यह घटना है। वहां पे सभी पब्लिक खड़ा होकर के तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की और वहां पर जो व्यक्ति भाग रहा था इधर से उधर रिक्शे में घूम रहा है, लेकिन वह अचानक में फायरिंग किया और उस व्यक्ति के कंधे में गोली लग गई और फिर वह भागने की कोशिश की बाइक पे बैठकर। तभी उसी वक्त एक व्यक्ति ने हिम्मत बांध करके और उस व्यक्ति को बाइक से नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल देखकर सभी लोग घबरा गए और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पाए। तब तक वह व्यक्ति अचानक फिर बाइक पे बैठकर फरार हो गए, जो कि वहां से 3 रास्ता जाता है, एक नाला सुपारा स्टेशन, एक नाला सुपारा हाईवे और तीसरा रास्ता जो है नौजीवन की तरफ जाता है, जो कि आज या सुबह सुबह की ही घटना है। वसई बिरार नाला सुपारा में दिन पे दिन आतंक बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आतंकी कितना दूर भागेंगे। नाला सुपारा के क्राइम ब्रांच पुलिस ने छानबीन की और सीसीटीवी कैमरे से फोटोज निकाला और निकालने के बाद उसके छानबीन में जुट गए और 2 घंटे के अंदर पता चला कि वह अपराधी गिरफ्तार हो गया। और आप लोग यह वीडियो देखिए और आगे का वीडियो हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब पड़ूंगे बैग लिया है, मैं पकड़ा देखो उसे, उसने एक बैग लिया ना, तो पकड़ा देखो उसका।